हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज चैप्टर का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम ना जानते, हम लोग को पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में जानना है, ठीक है। ये पाइथागोरस क्या है, आप लोग की जैसा कि पहले से ही राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। एन एंगल हैविंग वन एंगल इज 90 डिग्री, एक ऐसा एंगल ट्रायंगल जिसका वन एंगल क्या हो 90 डिग्री हो, उसे क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये पाइथागोरस क्या है, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे जो 600 BC में उनकी जो एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल पर थ्योरम आई थी उसी को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। और उन्होंने एक प्रॉपर्टी बताया था राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। वो प्रॉपर्टी क्या बताया था, उन्होंने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या बताया था, वही हम लोगों को जानना है। वो फैक्ट क्या है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इस राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में उन्होंने बताया कि जो 90 डिग्री यानी राइट एंगल है, यहाँ पे राइट एंगल है, उन्होंने सबसे पहले राइट एंगल के इस ट्रायंगल में जो राइट एंगल के जस्ट सामने वाला यानी जस्ट अपोजिट वाले साइड को इन्होंने नाम दिया हाइपोटेनस। क्या नाम दिया, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस नाम। और जो नीचे ट्रायंगल का ये क्या हो गया, बेस हो गया, किसी भी ट्रायंगल का बेस होता है तो इसको ये क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। और इसको परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर समझ रहे हैं ना, मतलब हिंदी में उसका लंबवत होता है, मतलब लंब, ठीक है। तो इसका नाम हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसको आप एच से डिनोट कर सकते हैं, इसको आप बी से डिनोट कर सकते हैं, और इसको पी से डिनोट कर सकते हैं, यानी एच हाइपोटेनस, बी बेस, पी परपेंडिकुलर। सबसे पहले तो नाम हो गया। अब उन्होंने इस ट्रायंगल के बारे में बताया कि अगर कोई भी ट्रायंगल वो राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर कोई भी ट्रायंगल अगर वह राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो हाइपोटेनस वाला साइड का स्क्वायर जो इक्वल होगा बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पे हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का जो साइड है उसका क्या नाम है, पी आर, एच बराबर पी आर, हाइपोटेनस बराबर पी आर, बेस यानी बी बराबर क्यू आर, और पी परपेंडिकुलर बराबर पी क्यू। अब इन्होंने पाइथागोरस साहब ने बताया कि जो हाइपोटेनस के स्क्वायर है यानी राइट एंगल ट्रायंगल के जस्ट सामने वाला जो भी साइड है उसका नाम हाइपोटेनस है, और उस हाइपोटेनस का स्क्वायर, कहने का मतलब कि पी आर, यहाँ पर हाइपोटेनस ये साइड क्या है, पी आर, यानी पी आर का जो स्क्वायर होगा बाकी दो के दो साइड के स्क्वायर के सम, यानी स्क्वायर सबसे पहले करेंगे यानी क्यू आर, बाकी का जो दो साइड है उसका स्क्वायर पी क्यू और क्यू आर, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे अब आप इस पर एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि अगर यह साइड 3 है और यह 4 है तो हम कैसे पता करेंगे कि ये साइड कितना होगा, तो ये साइड कितना होगा, तो इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर
प्लस फोर का स्क्वायर यानी 9 प्लस 16 यानी 25, यानी इसका जो स्क्वायर है इन दोनों के स्क्वायर के बराबर है, यानी हमको एच स्क्वायर का वैल्यू आ गया 25। एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एच इक्वल टू हाई, आप लोग इसको रूट में कर सकते हैं, इधर स्क्वायर रहता है ना तो इधर रूट में आ जाता है, तो एच बराबर हाई, यानी ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर हमको बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हम लोग हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको हम एक दूसरा एग्जांपल रियल लाइफ से दे रहे हैं, ये आपके घर का दीवार है, वाल है, ठीक है, और ये रूफ है, रूफ है, ठीक है ना, ये रूफ है और ये वाल है। अब आप यहाँ पे खड़े हैं, इस दीवार से इतना दूरी पर आप खड़े हैं, ठीक है, इस दूरी पर खड़े हैं, आपका यहाँ पे पैर है, ठीक है, आपका पैर है यहाँ पे, आप सोच रहे हैं कि हमको यहाँ पे जाने के लिए, इस रूफ पर जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत है, स्टेयर्स, ठीक है ना, आपको सीढ़ी की जरूरत है, तो कितने बड़े बम्बू, बांस जो सीढ़ी बनता है, बांस वाला आप लोग सीढ़ी देखे होंगे, ठीक है, लकड़ी वाला, तो कितने बड़े लकड़ी की जरूरत है ताकि हम यहाँ से अगर सीढ़ी लगाएं तो यहाँ पर पहुँच जाए, यहाँ से यहाँ तक हमको जाना है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाना है हमें सीढ़ी के हेल्प से, तो कितना बड़ा वो सीढ़ी चाहिए, कितना बड़ा लकड़ी चाहिए, तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि हम इस वाल से कितना दूर खड़े हैं, क्या पता होना चाहिए कि हम जो खड़े हैं वाल से कितना दूर खड़े हैं और जो रूफ है वह कितना दूर है, जो मतलब जमीन से इसकी जो दूरी है वह छत की जो ऊंचाई है वह कितनी है, अगर ये दो चीज हमें पता है तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन रहेगा कि एक लड़का है जो वाल से आठ मीटर की दूरी पर खड़ा है और जो रूफ की लंबाई है वह कितनी है 10 मीटर, रूफ की जो लंबाई है और जमीन से 10 मीटर है, तो कितने बड़े लकड़ी की जरूरत है ताकि वह यहाँ से वहाँ पहुँच जाए, ठीक है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे, तो देखिए यहाँ पे तो दीवार से, तो अभी भी दीवार से जो जमीन होता है वह 90 डिग्री का एंगल बना के खड़ा किया जाता है, कभी भी दीवार से, अगर दीवार ऐसे लेवल में है तो कभी ऐसी दीवार नहीं किया जाता है खड़ा, हमेशा दीवार ऐसे राइट एंगल ट्रेंगल बना के खड़ा किया, दीवार सीधा खड़ा गया यानी परपेंडिकुलर होता है जमीन पर, ठीक है। तो यहाँ से जमीन है तो ये राइट एंगल ट्रेंगल, तो हमने बताया कि राइट एंगल ट्रेंगल के जस्ट सामने, राइट एंगल ट्रेंगल में जो राइट एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, यानी यह एच हो गया और ये बी हो गया और ये पी हो गया। और हम लोग पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या बताता है, पाइथागोरस जी ने क्या बताया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमें एच तो निकालना ही है, तो एच बराबर स्क्वायर बराबर पी, तो पी का वैल्यू क्या है 10 है, यानी 10 का स्क्वायर प्लस बी, बी क्या है 8 का स्क्वायर, यानी 100 प्लस 64, एच बराबर 164, सॉरी एच स्क्वायर बराबर, और एच बराबर रूट अंडर 164। अब देखिए मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर होगा, केवल मीटर स्क्वायर नहीं होगा, अगर यहाँ पर रूट निकलता है तो ठीक है, नहीं तो रहने देंगे, यानी रूट अंडर 164 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है।
शायद आप लोग समझ रहे होंगे। अब इससे रिलेटेड हम दो चार बुक से आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आपको बोल रहा है कि एक्सरसाइज आपको 6.5 देखेंगे, एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी सी इज ए ट्रेंगल एंड राइट एंगल एट सी। ए बी सी एक ट्रेंगल है और राइट एंगल कहाँ है? सी पर। यानी सबसे पहले आप एक राइट एंगल बना लीजिए, ठीक है, और आप सी पर राइट एंगल बना दीजिए। तो ए हो गया, ई बी, ए बी सी एक ट्रेंगल हुआ जिसमें क्या है, जो राइट एंगल है वो कहाँ है? सी पर है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है कि ए बी इक्वल टू 25, और देखिए ये जो ए बी है वो कितना है, 25 है, ठीक है। और बोल रहा है एंड ए सी इक्वल टू 7, और ये जो है 7 है, 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। अब आपको बी सी फाइंड करना है, ए बी सी इसका हाइट फाइंड करना है। तो आपको पता है कि राइट एंगल यहाँ पे है, और राइट एंगल पे जस्ट सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस, और ये क्या हो गया, बी, और ये क्या हो गया, पी। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रॉपर्टी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच बराबर क्या है 25, यानी 25 का स्क्वायर कर दीजिए। पी क्या है, तो पी हमें पता नहीं करना है, तो पी स्क्वायर हमने दीजिए प्लस बी, बी कितना है 7, तो 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो 625 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 49। अब 625 माइनस 49 इक्वल टू पी स्क्वायर, अब इसको माइनस कीजिएगा तो 15 से 9 गया 6, और 11 से 4 गया 7 पी स्क्वायर। अब पी बराबर रूट अंडर 576। आप लोग हमेशा याद रखिए, जब इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 24, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। यानी पी का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 24 सेंटीमीटर। शायद आपको इस समझ में आया होगा। और इस प्रकार से आप लोग एक्सरसाइज 6.5 बना सकते हैं, और आप लोग का एच डब्ल्यू रहेगा 6.5। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में।